हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है, रोजगार संबंधित काफ़ी सारी अपडेट है, स्कॉलरशिप से संबंधित आपके लिए अपडेट है। सभी अपडेट्स आप लोग देखने वाले हैं डिटेल में एक एक करके। तब तक आप लोगों का काम है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार देख रहे हैं। आपके लिए डेली ही मॉर्निंग में मैं यहाँ पर अपडेट्स लेके आता हूँ, हर तरह की रोजगार से संबंधित आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स बनती हैं मॉर्निंग में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये सभी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके 10-5 मिनट के बाद आपको वहां पर सभी आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला अपडेट आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, 1.50 लाख रजिस्ट्रेशन, कॉलेजों में प्रवेश 4500। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से ये अपडेट है। अंबेडकर विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब विश्वविद्यालय ने आवासीय संस्थान व संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए वेब रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक किए जा सकेंगे। अभी तक स्नातक स्तर के लिए 1.50 से अधिक लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, ये अपडेट है आप लोगों के लिए आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से। अस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए, वेब रजिस्ट्रेशन 1.60 लाख, प्रवेश महज 4500 छात्रों का ही। यहाँ पर वही सेम अपडेट है, उस वाले अपडेट में आपको बताया गया है 1.50 लाख, और इसमें ये अमर उजाला का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है 1.60 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसके बाद 4500 लोगों ने छात्रों ने यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। BAMS की जो परीक्षाएं हैं 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसका जो कार्यक्रम है विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला अपडेट है यहाँ पर, BEd द्वितीय वर्ष की फॉर्म्स जो हैं 16 तक जमा होने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने BEd द्वितीय वर्ष 2021 के संस्थागत भूतपूर्व छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने जनसंपर्क प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर के मुताबिक छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर खुद या फिर संबंधित कॉलेज के माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। 16 तारीख तक आप लोग अपने BEd द्वितीय वर्ष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला अपडेट है यहाँ पर, वेब रजिस्ट्रेशन वही सेम अपडेट है 1.60 लाख, ये अलग किसी न्यूज़पेपर की अमर उजाला का कटिंग है। अगला अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, CSJMU 10,000 फेल छात्रों को अतिरिक्त अंक देकर पास कर दिया गया है। BA BSc BCom अंतिम वर्ष के फेल हुए करीब 10,000 छात्राओं को विश्वविद्यालय ने अतिरिक्त अंक देकर पास कर दिया है। दो से दस अंक की कमी के कारण फेल हो रहे छात्राओं को विश्वविद्यालय ने यह लाभ दिया है। यह पहला मौका है जब विश्वविद्यालय फेल वाले जितने भी छात्राएं इनको यहाँ पर ये लाभ दिया है। पेपर के पैटर्न को देखते हुए छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। CSJMU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र, डीन प्रशासन प्रोफेसर सुधांशु पंड्या व सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर विवेक सचान ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। विभिन्न पाठ्यक्रमों के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर आ रही थी शिकायतें और उसके निस्तारण के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके बाद ये मूल्यांकन सही ढंग से हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ITI के प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज ने गुरुवार को ITI संस्थान के दाखिले के लिए प्रथम चरण का जो परिणाम है उसको घोषित कर दिया गया। यहाँ पर ये वेबसाइट्स दी गई हैं काफ़ी सारी, इन पर जाके आप लोग अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट रहा क्या क्या सारी चीज़ें रहीं। अगला एक और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर इसी में दिया गया है, LU 114 विषयों की प्रवेश परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय लेने वाला है। प्रायस्नातक प्रवेश परीक्षा में गुरुवार को प्राचीन भारतीय इतिहास और आर्कियोलॉजी, इस काफ़ी सारी ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी की जो है परीक्षा होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एक और अपडेट है यहाँ पर, AKTU प्रैक्टिकल के अंक 12 तक अपलोड करें। AKTU के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर व स्नातक व परास्नातक के प्रैक्टिकल अंकों को विश्वविद्यालय की ERP पर भेजने के लिए अंतिम तिथि 12 सितंबर तक की मध्य रात्रि तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, BA LLB विषम सेमेस्टर का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की तरफ से नेहरू ग्राम भारतीय मानित विश्वविद्यालय ने BA LLB विषम के तहत प्रथम द्वितीय
प्रथम तृतीय पांचवें सातवें और नौवें सेमेस्टर का जो है परिणाम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन कक्षा संचालन की मांग कर रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र संघ हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शिक्षा जैसे पहले अभी लॉकडाउन में चल रही थी उसी टाइप से यहाँ पर फिर से किया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यालय 18 और 19 को खुलेंगे, यहाँ पर ये अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से। अगला अपडेट है यहाँ पर रिजल्ट के 5 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति, ये लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने के 5 माह बाद नियुक्ति नहीं मिल सकी। चयनितों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में अटकी हुई है, चयनित अब संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम 26 मार्च को जारी किया था। सहायक अभियंता के 684 पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पर जो परीक्षा थी वो कराई गई थी, लेकिन आयोग ने 580 पदों पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 माह में पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं कराया जा सका है, चयनित भटक रहे हैं। शासन से मांग की है कि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाए। ठीक है, ये अपडेट है, आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पर एक और अपडेट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की तरफ से, बीएससी में 100 कॉलेजों के छात्रों का जो है रिजल्ट यहाँ पर रोका गया है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अपडेट आ चुका है फाइनल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने बीएससी का परिणाम तो जारी किया लेकिन परीक्षा देने वाले लगभग 100 कॉलेजों के छात्रों का जो है परिणाम रोक दिया है। विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेजों का परिणाम रोका है जिनकी फीस अभी तक जमा नहीं की गई है या फिर जिनकी फीस अभी तक नहीं मिली है। ऐसा हर वर्ष किया जाता है आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से कि जिन कॉलेजों की जो फीस होती है एनुअल फीस कुछ इनकी दी जाती है यूनिवर्सिटी के लिए, वो कॉलेज जो जमा नहीं करते उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको रोक दिया जाता है। इसीलिए आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। जो आगरा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो इस वजह से आपके जो है रिजल्ट शो नहीं हो रहे हैं। जैसे ही आपके कॉलेज की तरफ से फीस सबमिट कर दी जाएगी अगर विश्वविद्यालय को, आपके रिजल्ट्स वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 100 सैकड़ों छात्रों का रोक लिया परिणाम, कॉलेज ने फीस नहीं वसूल पाया विश्वविद्यालय, अब छात्रों के परिणाम को रोक लगाई गई है। तो यहाँ पर छात्रों को ही यहाँ पर परेशानियाँ हो रही हैं। आप लोग अपने कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं या कांटेक्ट करके कि आपका जो शुल्क है वो जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कॉलेज शुल्क होता है उसको जमा करना होता है विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो ये कॉलेज वाले जितने भी होते हैं यहाँ पर इनकी ये कमी के चलते जो छात्र होते हैं इनके परिणाम रोक लिए जाते हैं और उनको परेशानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, 199 पदों पर शिक्षक भर्ती शुरू होने वाली है। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी भर्ती। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने उठाई आपत्ति। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लूटा ने शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है इसके कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। लोकटा के अध्यक्ष डॉक्टर विनीता वर्मा का कहना है कि पिछले वर्ष के विज्ञापन में और इस वर्ष के विज्ञापन में काफ़ी अंतर है। शिक्षा शास्त्र के सहायक प्रोफेसर पद शामिल किए गए थे, इस बार यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। लुक्टा की ये मांग है विश्वविद्यालय अपने रोस्टर रजिस्ट्रार की वेबसाइट को प्रकाशित करे। तो यहाँ पर ये अपडेट है, 199 पदों पर भर्ती होने वाली है लखनऊ विश्वविद्यालय यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार। ठीक है, अगला अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्कॉलरशिप से लेकर है यहाँ पर दसमोत्तर छात्रवृत्ति को अंतिम मौका 13 तक 50,000 रुपये छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा अधिकतम। यहाँ पर आगे बताया गया है दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलने का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए 13 सितंबर तक अपना प्रमाण पत्र और अभिलेख जमा करने का अंतिम मौका आपको दिया गया है, क्योंकि जनपद स्तर से अग्रसारित छात्र छात्राओं का डेटा पुनः जांच के लिए जनपद के पोर्टल पर आ गया है। इसके बाद छात्र छात्राओं को अधिकतम 50,000 रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाली है। समाज कल्याण विभाग ने सभी शिक्षा संस्थानों एवं छात्र छात्राओं को डेटा जनपद स्तर से अग्रसारित किया गया था। ठीक है, ये अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर आप लोगों के लिए, आप इसको पूरा ही पढ़ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल के ऊपर आकर जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है, आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती की चौथी सूची जारी करने की मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़े तकरीबन 1,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चौथी सूची जारी की जाए। अभ्यर्थियों का दावा है कि तकरीबन 600 सीटें चयनितों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रह गई हैं और 350 से अधिक सीटें विभिन्न कारणों से खाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पंचायत सहायक की भर्ती में घपलेबाजी का आरोप इस बार लगाया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए पात्र लोगों का चुनाव कर और उनका परिणाम डेटा सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से पंचायत सहायक क्रम डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति मेरिट के आधार पर चल रही है। इस बीच पंचायत सहायक पद पर किए गए आवेदन में घपलेबाजी का आरोप लग रहा है। दूसरे आवेदक को मेरिट लिस्ट के में प्रथम दिखाने की शिकायत करने के साथ इस चीज़ की जांच की मांग की गई है। जिले में पंचायत सहायकों की भर्ती समस्त 1,193 पंचायत में चल रही है। यहाँ पर ये अपडेट है पंचायत सहायक भर्ती को लेकर, जिसमें घपलेबाजी का आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पर्सनली मुझसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं वहाँ पर मोस्टली एक्टिव बताऊँ तो सभी आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। इसका नाम है फिलो ऐप। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट में आपको डाउट आ रहा हो, बोर्ड के क्वेश्चन हो या फिर हो जेई नीट के, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको पढ़ाई में आ रही है, जिसका सबका सॉल्यूशन है सिर्फ फिलो ऐप। आपको 24/7 अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने का मौका मिलता है, बस इन 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, जिसका फोटो क्लिक करें या फिर उसको टाइप करके आप लोगों को यहां पर अपलोड कर देना है। अपलोड होने के 60 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को यहां पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज पर से लाइव कनेक्ट करा देगा। आप अपने डाउट को यहां पर क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रीमियम कोर्स यहां पर परचेज करना है तो आप हमारा जो कोड है EAD001 इसको लगा सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही ऐप है, जिसका नाम है फिलो ऐप। आप लोगों को जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।